नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। भारत से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने गुरुवार को वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में एक क्रमिक छूट की घोषणा करी है। बता दें सभी विदेशी नागरिकों के साथ साथ यहाँ पर OCI और PIO कार्ड धारकों को हवाई या समुद्र के माध्यम से देश की यात्रा करने की अनुमति जो है वो दे दी गई है। ऐसे सभी व्यक्तियों को अब पर्यटन को छोड़कर किसी भी उद्देश्य के लिए भारत यात्रा करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना में कहा है कि इस तरह की छूट विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों दोनों पर लागू होती है जो भारत में प्रवेश करना या छोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें यहाँ पर COVID-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार ने फरवरी 2020 से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवक और जावक आंदोलनों को रोकने के लिए कदम उठाए थे। सरकार ने अपग्रेडेड छूट देने का फैसला किया है। विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंध जो भारत में प्रवेश करना या छोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें इसीलिए सभी OCI और PIO कार्ड धारक और अन्य सभी विदेशी नागरिक जो अनुमति का निर्णय के लिए इंतजार कर रहे थे, जो किसी भी उद्देश्य से भारत का दौरा करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीजा को छोड़कर अधिकृत हवाई अड्डों पर सपोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के माध्यम से हवाई या जल मार्ग के माध्यम से अब भारत में प्रवेश कर सकते हैं। आपको बता दें विदेशी और भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन और एयर ट्रांसपोर्ट बबल के तहत जो अपनी उड़ाने हैं उनको भर सकते हैं और मंत्रालय द्वारा देश में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए उड़ान भरने का लाभ उठा सकते हैं।